नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। आज हम एक ऐसी जानकारी आपको देने वाले हैं जो कि आपको कुछ दिनों से आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही होगी। जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जन स्वास्थ्य अभियान भर्ती की जानकारी आपको यूट्यूब पर बहुत देखने को मिल रही होगी, जिसमें आपको बताया जा रहा है केवल दसवीं पास और बारहवीं पास उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं। केवल फीस 260 रुपये है और 14,000 से 21,000 रुपये तक यहाँ पर आपको वेतन जो है वो दिया जाएगा। तो ये भर्ती रियल है या फेक है, इसकी जानकारी आज आपको हम देने वाले हैं। उस वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, चैनल पर आपको ऐसी अपडेट प्राप्त तो होती रहेंगी। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और एंड तक देखिएगा, जन स्वास्थ्य सहायता अभियान वाली भर्ती फेक है या रियल है, क्या सही में हम 10वीं पास या 12वीं पास होंगे तो इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्या हमें सच में 14,500 से 21,500 रुपये तक सैलरी मिलने वाली है, क्या यह सभी ज़िलों में यह भर्ती निकली है, तो इसकी जानकारी आज आपको देने वाले। तो चलिए, हमने गूगल क्रोम ओपन कर लिया है, प्रोजेक्ट ऑफ हेल्थ रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड हम ऑफिशियल इसकी वेबसाइट है, जैसे कि आप इसमें भी देख सकते हैं हेल्थ केयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, हमने ऑफिशियल वेबसाइट की ओपन कर ली, जो पहली वेबसाइट यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसमें पहली ही चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। इस पर आप जैसे ही ओपन करोगे पहली चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी इसमें। ठीक है, पहली चीज़ क्या देखने को मिल जाएगी यहाँ पर आप देख सकते हैं, वेबसाइट में आपको क्या दिख रहा है, co.in मतलब ये रियल नहीं है, फेक भर्ती है, क्योंकि जब भी ये कोई भारत सरकार की या राज्य सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, क्योंकि अगर भारत सरकार या राज्य सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट होती तो .gov.in आपको देखने को मिल जाए। जैसे हम दूसरी वेबसाइट में देखें, हमने यहाँ समग्र का पोर्टल खोला तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समग्र.gov.in मतलब ये सरकारी है। ठीक है, ये सरकारी भर्ती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं MP ऑनलाइन की है तो यहाँ पर gov.in, यहाँ पर यह सरकारी है। जिस पे भी gov.in है मतलब वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट, परंतु जो जन स्वास्थ्य अभियान वाली वेबसाइट है इसमें .co.in ये सब फर्जी वेबसाइट है दोस्तों। अगर सरकारी होती तो इसमें .gov.in लिखा हुआ था। दूसरी बात, जैसे ही हम इसका एक नोटिफिकेशन यहाँ पर हम ओपन करके आपको बता देते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर नोटिफिकेशन ओपन किया, ये देखिए यहाँ पर हमने जैसे ही नोटिफिकेशन ओपन किया पंचायत कार्यालय भर्ती आवेदन पत्र पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुल पद 1,12,000 हैं। इंडिया में अगर 1,12,000 पद निकलते हैं तो क्या आपके पेपर में नहीं आएगा, क्या ये अनऑफिशियल तरफ से भर्ती कर रहे हैं, ना तो इसकी जानकारी आपको सरकारी रिजल्ट पर मिलेगी। केवल एक ऐसी वेबसाइट है जिस पर आपको ये जानकारी मिल रही है, ना तो कोई इसका एडवर्टाइजमेंट दिया जा रहा है, ना कुछ दिया जा रहा है, ना इसके ऑफिशियल PDF भी है। केवल यहाँ पर आप देख सकते हैं ये PDF जैसे हम डाउनलोड करते हैं तो इसमें केवल इतना से हमें जानकारी मिल रही है, पूरी जानकारी इसमें भी नहीं मिल रही। जैसे अगर कोई भर्ती निकलती है उसका बाकायदा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होता है, एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है, पेपरों में दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल 1,12,000 पद है जिसमें किसी को कुछ जानकारी नहीं है, केवल यूट्यूब पर है। तो मैं बता दूं कि ये भर्ती जो है वो पूर्ण तरीके से फर्जी है, कोई भी रियल नहीं है। जैसे कि यहाँ पर आप बता दें 260 रुपये इसकी आवेदन फीस है। ठीक है, मान लीजिए इतनी ज़्यादा तो 1,12,000 पोस्ट है, तो 1,12,000 गुणित अगर हम 260 करते हैं तो मान लीजिए 29 लाख रुपए होते हैं। ठीक है, 260 रुपए के हिसाब से 29 लाख रुपए होते हैं। मान लीजिए कि इसमें 1,12,000 पद है, अगर इससे ज़्यादा पद इसमें 3 लाख आवेदन भरा गए तो 4 लाख वो तो आवेदन भराना है, भर्ती निकलने की देर रहती है और सभी कैंडिडेट जो है वो आवेदन की इसमें रास्ता देखते हैं, टोटल आवेदन कर देते हैं। तो कुल मिला के अब फर्जी वेबसाइट, इसमें आप आवेदन मत करिएगा। ठीक है, और अगर आपकी इच्छा है कि इसमें आवेदन कर देते हैं तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, पर मेरे तरफ से भर्ती पूर्णतः फर्जी है, क्योंकि 10वीं के आधार पर, साक्षात्कार के आधार पर कोई ऐसा आवेदन नहीं लेता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आप बिल्कुल आवेदन मत करिए। अगर ये रियल आपको लगती है तो आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए कि आपको रियल क्यों लगती है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।